हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं द ऑल न्यू मारुति सेलेरियो के बारे में, जो कि 2021 में यहां पे फेस लिफ्टेड मॉडल आपको देखने को मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ZXI प्लस यहां पे रहने वाला है। अलॉय व्हील्स देन सभी जो है इसमें आपको टॉप एंड फीचर्स यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो गाड़ी के जो एक्सपेक्टेड प्राइस हैं वो स्टार्ट होते हैं नियरली 5 लाख से, तो काफ़ी सही है। मतलब अगर 5 लाख से ही इसके प्राइजेस स्टार्ट होंगे तो सही रहेगा, नहीं तो ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि आप कह सकते हो कि महंगी भी एक कार यहाँ पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि जिस हिसाब के इसके आगे प्राइजेस सुनने में आए हैं तो उस टाइप के फीचर्स इसमें नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट स्टिल वील टॉक इन दिस वीडियो। तो फ्रंट में अगर सबसे तो इंजन की अगर इसमें मैं बात करूँ तो आपको जो है 2 इंजन वेरियंट्स इस पर प्रोवाइड किए जाएंगे, 1 लीटर एंड 1.2 लीटर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी लोगों की जो है पहले से ये, मतलब कि काफ़ी लोग पहले से चाहते थे कि इसमें जो है 1.2 लीटर इंजन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि बॉडी डिज़ाइन काफ़ी बड़ा था तो 1 लीटर का इंजन जो है वो थोड़ा सा अंडर पावर्ड लगता था। तो अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट से आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस टाइप की ग्रिल प्रोवाइड की गई है, स्विफ्ट की डिज़ाइन की आपको हेडलैम्प्स यहाँ पर मिल जाती हैं हैलोजन वाली, एंड टर्न इंडिकेटर्स भी ऊपर की ओर मिल जाएंगे। देन नीचे की ओर फॉग लैंप्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, एंड फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी हद तक जो है ऑल्टो एंड स्विफ्ट का यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है। आपको किसकी याद आती है इस गाड़ी को देखते हुए, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए। साइड में अगर हम चलें, सबसे पहले आपको यहाँ पे 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। अलॉयस का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, एंड जो टायर की प्रोफाइल है 175/60 यहाँ पे रहने वाली है। साइड ओवरव्यूज में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, विच इज़ गुड। एंड अगर हम बात करें इसके साइड विंडो पैनल्स की, तो वो कुछ अच्छे व्यू में मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। बट जो डोर हैंडल्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेकार प्रोवाइड किया है, मतलब ऑल्टो वाली पूरी फील आएगी यहाँ पे आपको। तो साइड डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक मेरे को ऑल्टो ही लगती है ये। आपको क्या लगता है इस गाड़ी को देख के, प्लीज़ कॉमेंट में बताना यार। बैक प्रोफाइल की अगर बात करें तो बैक प्रोफाइल थोड़ी बहुत यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिल जाती है, एंड जो बैक टेल लाइट्स का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। अगेन बैक डोर के लिए भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। देन सेंटर में सुजुकी का लोगो, एंड ये कुछ है इसकी टेल लैंप्स का डिज़ाइन, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। देन अगर बैक बम्पर की बात की जाए तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स के साथ ही आपको जो है रियर पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो गाड़ी में कोई भी आपको रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। टॉप पे बात करें, यहाँ पे वाइपर, डिफॉगर एंड जो है वॉशर मिल जाएगा। एंड जो ऊपर अगर हम टॉप ऑफ द यहाँ पे बात करें तो आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की ओर। तो सबसे पहले अगर आप डोर्स को चेक करेंगे तो अच्छे खासे वाइड ओपनिंग के साथ आपको मिल जाते हैं, एंड ये कुछ आपको बेसिक सा डोर पैनल मिल जाता है। एंड अब की बार तो इन्होंने यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पावर विंडो के यहाँ पे पैनल भी हटा दिया है, तो ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा इसमें। बाकी यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट आपको मिल रही है, ये टॉप मॉडल है भाई। टॉप मॉडल में मतलब काफ़ी सारी इन्होंने चेंजेस किए हैं, एंड इंटीरियर काफ़ी हद तक मेरे को जो है स्विफ्ट जैसा लग रहा है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी सेलेरियो से ज़्यादा बेटर थी इंटीरियर वाइज में। एंड ये कुछ इसकी स्मार्ट की मिल जाती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रोवाइड किया गया है, देन आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच यहाँ पे मिल जाएगा, एंड ये है आपके ORVMs को कंट्रोल करने के लिए बटन्स। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। बाकी ये हैं इसके पैडल्स, तो ये अभी आप फिलहाल ऑटोमेटिक वेरिएंट यहाँ पे चेक कर रहे हैं, एंड AC वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस टाइप से। ये है इसका सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटल पैनल, जो कि मेरे को काफ़ी हद तक ऑल्टो जैसा ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए। भाई मेरे को तो यूँ ही लग रहा है कि ऑल्टो का एक बिगर वर्जन यहाँ पर निकाल दिया गया है। तो ये हैं इसके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एंड जो है राउंड स्टेयरिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, बेसिक सा जैसा ओल्ड मॉडल का यहाँ पे आता है। तो टिल्टेबल स्टेयरिंग जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको मिल जाएगा वो यहाँ पे हेडलाइट टॉगल, एंड इस साइड पे वाइपर टॉगल। बाकी अगर इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करूँ तो कुछ खास इंप्रेसिव सा नहीं लगा है, बहुत बेसिक सा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब टॉप मॉडल में भी। तो सेंटर ये कितना चीप यहाँ पे देखने को लग रहा है मेरे को, तो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके बताइए। मतलब थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश जो है डैशबोर्ड में होनी चाहिए, एक अलग सा ही फील बनाती है। बाकी वही अपना बेसिक वाला जो है यहाँ पे आपको एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले वाला यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है, जो आपको बाकी स्विफ्ट में भी प्रोवाइड किया जाता है।
तो यहाँ पे आपको जो है पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं एंड सेंटर लॉकिंग का बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मैनुअल एसी इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब तो हमें लग रहा था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑटो एसी मिल जाता। ये हैं इसके यूएसबी एंड ऑक्स पोर्ट एंड 120 वॉट का पावर सॉकेट। बाकी बात करें गियर लीवर की तो ये आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आपको मैनुअल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। एंड ये आप चेक कर सकते हैं कि रियर पार्किंग सेंसर्स कुछ इस टाइप से यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब पहली वाली मेरे को सिलेरियो थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही थी इससे। तो आपको क्या लगता है, पहली वाली ज़्यादा अच्छी थी या न्यू वाली अच्छी है, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए। बाकी ये कुछ आपको यहाँ पर सीट्स मिल जाती हैं, तो सीट्स में भी कुछ खास बकेट आपको नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। एंड अगेन वही आपको नॉर्मल सा यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट की थी बट देखने में कुछ भी खास यहाँ पे नहीं लग रही हैं, काफ़ी हद तक वही बेसिक चीज़ें ही यहाँ पे रखी गई हैं। ये था फ्रंट इंटीरियर के बारे में। अगर रियर में हम चलें तो ये आप रियर डोर पैनल को चेक कर सकते हो। भाई ये भी काफ़ी मतलब कि बेकार सा लग रहा है यार, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद आई ये नई वाली सिलेरियो। तो सीट्स की भी अगर बात करें तो सीट्स भी पहले के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी छोटी कर दी गई हैं। तो वाइडनेस भी आप चेक करोगे सीट्स की तो काफ़ी छोटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो भाई डिसअपॉइंट कर दिया मारुति ने यहाँ पे फिर से। तो इससे तो मेरे को एस्प्रेसो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड रियर में अगेन कोई भी एसी वेंट्स नहीं है, इवन कि जो पीछे बॉटल होल्डर आता था वो भी यहाँ पे हटा दिया गया है। एंड नी स्पेस देखो कितना ज़्यादा कम है। तो अगर आप चाहते हो कि जो मेरे पास पुरानी सिलेरियो है उसके साथ में जो है इसको कंपेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट करके बताइए। उसमें अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप कहोगे कि भाई ये पहले वाली ज़्यादा बेटर थी उससे। तो अब वहीं पर बात कर लें इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस भी अगर आप चेक करोगे तो ये भी मेरे को कुछ खास नहीं लग रही है। तो भाई ये मारुति ने सही नहीं किया यार, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं। 60-40 स्प्लिट है, बाकी स्टेपनी व्हील दिया हुआ है ये अच्छी बात है, वरना मैक्सिमम कंपनीज तो वो भी हटा रही हैं आजकल। तो ये कुछ है पूरा इसका बूट का मामला। तो ये है कंप्लीट मारुति सुजुकी सिलेरियो, कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट में बताइए। एंड मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।